मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में एक तरफ सत्ताधारी दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विरोधी तरह तरह के मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। इस कोरोना महामारी के बीच सत्ताधारियों के दावे बुलंद हैं और दावे तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मुमरा शहर में विकास की गंगा बहा दिए हों। दरअसल आज अगर आप मुमरा शहर में जमीनी स्तर पर देखेंगे तो मुद्दों का भरमार है और मुमरा शहर में सवाल उठाएगा कौन, ऐसे मुद्दों पर जवाब देगा कौन। आज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से घरों के सामने कचरों का भंडार है और बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है। पहले ही दिन तूफानी बारिश में कई घरों के पतरे उड़ गए, कई पेड़ गिर गए, लेकिन कचरों की साफ सफाई नहीं हुई है। ये क्या मुद्दा नहीं है? ये तस्वीरें मुमरा रशीद कंपाउंड श्रीलंका जुबली पार्क बिल्डिंग नंबर 4 की है, जहां 4 नगर सेवक हैं। मगर इनका काम क्या है, जनता इन्हें क्यों चुनती है? कुछ लोगों ने बताया कि रेहान पीतलवाला का इलाका है और इस इलाके में कचरों की भरमार है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या इससे कोरोना का खतरा नहीं है? ऐसे मुद्दों पर क्या उन नगर सेवकों को दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे इलाकों में कचरों का भरमार लगा हुआ है। महिलाओं ने बताया कि ये नाला साफ करने के बाद 2 हफ्ते से ये कचरा घरों के सामने रखा हुआ है, उठाने के बजाय और भी कचरा यहाँ लाकर घरों के सामने डाल दिया जा रहा है और कचरों की वजह से बदबू से और चूहों के घरों में आने से लोग काफ़ी परेशान हैं और इसकी वजह से बीमारी भी फैल सकती है। ये कचरा नाले से निकालने के बाद यहाँ उठाकर रख दिया गया, लेकिन इसे यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। नगर सेवक भी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुनिए महिलाओं का इस पर क्या कहना है। कितना दिन हो गया यहाँ पर जो ये कचरा निकाल के डाल? 2 वीक्स हो गए। 2 हफ्ते हो गए। आप लोग यहाँ के जो नगर सेवक हैं उन लोगों से क्या इसके बारे में बताया कि 2 हफ्ते से कचरा आपके दरवाजे पर पड़ा हुआ है? उन लोगों को पता है। क्या बोल रहे हो लोग? गाड़ी भेजता हूँ, कल गाड़ी भेजता हूँ मगर भेज ही नहीं रहे। उस दिन DMC वाले आए थे उठाने के लिए, एक गाड़ी लेकर गए और 2 गाड़ी डाल कर गए एक्स्ट्रा, वापस डाल कर गए और मैं लाइव हूँ, प्रेजेंट हूँ। अच्छा, कौन से नगर सेवक के पास गए थे आप? रेहान पीतल वाला, उनके ऑफिस गए थी, वो मिले नहीं, ऑफिस बंद था। उसके बाद उनके साथ में जो एक रहते हैं उनका तो मैं नेम लूंगी नहीं, वाई टू हाईलाइट, उन्होंने बोले आज भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, परसों भेजता हूँ, अभी तक किसी को भेजे नहीं है। उसके बाद में बारिश गिर गई जिसकी वजह से कचरे में से डर्टी स्मेल आने लगी। उसके अलावा लोग चैम्बर साफ कर करके यहाँ पे टॉयलेट फेंके जा रहे हैं। यानी इलाके के लोग भी यहाँ पर, इलाके के लोग गंदगी देख के हमारे घर को, हमारे आसपास के माहौल को कूड़ेदान बना रहे। 6-6 महीने के छोटे बच्चे लेके, 8 साल के बच्चे लेके, सर हम लोग अलोन रहते, लॉकडाउन में सब फैमिली फंसी हुई है। इनकेस हमें कोरोना नहीं भी होने वाला रहेगा ना, डटी की वजह से कोरोना हो जाएगा, और अगर कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ के नगर सेवक होंगे। क्या कहेंगे आप? वही, हमारे खिड़की के सामने सब फेंक के जा रहे हैं, इतना चिल्लाते हैं अंदर से, बोलते ये हम लोग का कचरा बुरा लग रहा है, ये पहले से निकाला हुआ है, ये तो नगर सेवक करेगा साफ, लेकिन नगर सेवक भी इधर आने के लिए। TMC वालों ने जब ये साफ किया था तो तब से फिर कचरा ये उठाया नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक दिन हम लोग चिल्लाए तो गाड़ी आया, साइड टेम्पो था, क्या था, थोड़ा कचरा उठाया, उसे डबल ला के भर दिए और दूसरी जगह से भी ला के यहाँ पे भर दिए। अभी हमारे बच्चे को 3 दिन से बुखार लग रहा है मच्छर की वजह से, इतने घर में मच्छर चूहे जा रहे हैं। लाइट जाने के बाद हम लोग खिड़की खोल के सो नहीं सकते, इस कचरे की वजह से इतने मोटे मोटे चूहे घर में घुस रहे, मच्छर तो इतने हो गए ना सर, आप अभी नॉर्मल टाइम में आगे हमारे घर बैठ नहीं सकते हो, और बदबू की वजह से विंडो खोल नहीं सकते, लाइट जाने के बाद फिर घर में रह नहीं सकते। और जब भी किसी से बात करो तो बोलेंगे नगर सेवक से बात चल रही है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा करके आज 14 डेज हो गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। सुना आपने, नगर सेवकों के ऑफिस पर शिकायत लेकर ये महिलाएं गई थी, मगर नगर सेवक का ऑफिस ही बंद है। अब बंद ऑफिस में महिलाएं शिकायत करें तो किससे करें? और घरों के सामने कचरा उठाने के बजाय महिलाओं ने बताया कि कचरा और भी घर के सामने लाकर डाल दिया जा रहा है। लोगों को यहाँ रहने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर यहाँ से कचरा नहीं हटाया गया तो बीमारी भी फैल सकती है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।